अगला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी देखकर बोल रहा है 12वां पद। चलिए सेम क्वेश्चन है, ओनली प्रैक्टिस, आंसर बताइए। आपसे पूछा जा रहा है A12। सिक्सटी नाइन एक आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए मैं लिख दे रहा हूं 69। बाकी सभी बच्चे लिखते जाइए अपना अपना आंसर, ए 69, ए 69, ठीक है, मतलब 69 ही आ रहे हैं, सभी के आंसर 69 है तो बिल्कुल सही होना होगा। पहला टर्म क्या हमारा 3 है, मैं लिख दे रहा हूं एक वैल्यू 3। डी का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 6। तो 9 में से 3 घटाएंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू 6 आ गया। आपसे पूछ रहा है 12वां पद, 12वां पद लिखने का मतलब A12, ठीक है, A12 का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ, A12, अच्छा A12 की जगह पर पहले एन लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे सर A12 बताना है, A12 का वैल्यू ए प्लस 11D, ठीक है, 12 है तो यहाँ 11 कर दिया। वैल्यू पुट करिए तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 3 है, यहाँ पर पुट कर दिया 3, 11 के जगह पर 11, डी के जगह पर यहाँ पर 6 गुना 6, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर, 3 प्लस 11 गुना 6 66, तो यहाँ पर आएगा 66 प्लस 3 69 आंसर, ठीक है। पोल में दूंगा, पहले आप कुछ प्रैक्टिस कर लो फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, A12 इज इक्वल टू 69, ठीक है। चलो तो दो एग्जाम्पल हो गया, अगला क्वेश्चन अभी चैट में ही करना है, जितने भी टाइप है सारे टाइप को कवर कर लेते हैं, उसके बाद पोल में पूछूंगा। समांतर श्रेणी -3 -1/2, करके 11वां पद बताइए, ठीक है। शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या फिर हो सकता है कि एनसीईआरटी का बाहर हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन शायद एनसीईआरटी का है, ठीक है, बताइए इसका 11वां पद क्या होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डी का वैल्यू निकालना, चार वंतर अगर सही सही निकाल लोगे तो आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि ए का तो यहां से कह रहे हो सर 22 ही आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर पहला टर्म तो बहुत आसान है लिखना, ए का वैल्यू कितना माइनस का 3 है, ये तो बहुत आसान है पहला टर्म। अगर डी का वैल्यू मुझे निकालना हो तो डी में थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, तो सेकंड वाला जो टर्म है आपका माइनस का 1/2 है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है, -1/2 है। अब इसमें पहला टर्म क्या है, पहला टर्म माइनस का 3 है, तो बोलेंगे सर -1/2 में से माइनस का 3 को घटाइए, तो माइनस माइनस का 3 ऐसे आएगा, तो माइनस 3 को घटाना होगा, 2 बार माइनस आएगा, ठीक है। तो -1/2 में से माइनस का 3 घटाया, हाँ तो प्लस हो जाएगा, इस स्टेप के बाद करेंगे ना, मैंने -1/2 में से -1 -3 घटाया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 2 माइनस साइन एक साथ आ गया, अब 2 माइनस अगर एक साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो -1/2 ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस का 3, अब प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 3/1 है एक तरीके से, इन दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम 2 और 1 का तो 2 आ जाएगा, और चलो इसको नीचे सॉल्व करता हूँ, इसी के नीचे सॉल्व करता हूँ। तो यहां से आप क्या बोलोगे सर, 2 और 1 का एलसीएम नीचे में 2 आ जाएगा, 2 एक कम 2 तो 1 को, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम 2 अगर है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख दिया माइनस का 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। अब 2 को 3 से गुना करेंगे, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6 बन गया। अब 6 में से 1 घटाओगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 6 - 1 5/2। तो यहाँ पर डी का वैल्यू निकाला हमने सॉल्व करके तो 5/2 आया, मतलब सार अंतर यहाँ पर 5/2 आ रहा है, इतना क्लियर है ना सभी को, डी का वैल्यू कैसे निकाला, घटा करके लिख दिया, ठीक है। चाहे आप 2 में से 1/2 घटाइएगा, 2 में से -1/2 घटाइएगा तो भी आ जाएगा सेम, ठीक है। अब यहां से कह सकते हो सर ए 11 चाहिए, तो ए 11 कहने का मतलब ए प्लस कितना लिखना होगा बताओ, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ए प्लस 10D, 11 है तो 1 कम कर दिया, ठीक है, तो कहेंगे सर ए प्लस 11 - 1 10D। अब ए का वैल्यू आपका माइनस का 3 है, प्लस 10 × 5/2 कुछ ऐसे। अब यहाँ पर आप उसको कैंसिल करिए, 2 से काटोगे 10 को कितने बार में, 2 × 5 = 10, तो ये आपका बन गया -3 + 5 × 5 = 25। -3 और 25 कितना देगा, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 25 में से 3 घटाओगे
22 मिल जाएगा, बड़े वाला का साइन लगा देंगे प्लस का 22, ठीक है। तो प्लस का 22 लिखने का कोई नीड है नहीं हमें, ठीक है, तो 22 ही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर फाइनल क्या लिखोगे सर? ए 11 इज इक्वल टू 22, बिल्कुल सही लिख रहे थे, क्लियर है, समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन में यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसमें बस ध्यान रखिएगा। देखो डी का वैल्यू मैं एक तरीके से और कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी कर लोगे ना, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब डी के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 में से माइनस 1 बटा 2 घटाएं। देखो अगर आप ऐसे भी करोगे डी का वैल्यू के लिए 2 में से अगर माइनस 1 बटा 2 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करिए 2 बटा 1 है ये, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो यहाँ से भी देखो 5 बटा 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका वही आएगा डी, एपी में है तो वही आएगा डी, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है डेसिमल वाला, यहाँ पर बोला गया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का 14वां पद बताइए, ठीक है। चलो 14th टर्म, ए का वैल्यू तो पता है, डी का वैल्यू देखिए क्या आएगा। ए का वैल्यू तो बहुत आसान है, 0.6 पहला पद हमारा ये, डी कितना आ रहा है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया, 0.6 को घटाया, ये घटा कर कितना मिल रहा है? 1.1 मिलेगा। तो 1.7 में से अगर आप 0.6 को घटाओगे तो 7 में से 6 घटाया, एक आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और एक में से 0 घटाओगे एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिसिमल डीज का जो वैल्यू आया सार्वंतर वो 1.1 1.1 आया, ठीक है, तो 1.1 आ गया। तो डी तो हमने निकाल दिया घटा करके, अब हमसे पूछा गया 14वां पद, ए 14, आंसर आया क्या नहीं किसी का, इसमें किसी का आंसर अभी तक नहीं बताया, कितना आ रहा है? 13.7, ठीक है, चेक करते हैं। तो ए 14 का वैल्यू आपको निकालना है, तो ए 14 के लिए हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। आप बोलो सर फॉर्मूला लिखना है एक बार हमें, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, एक आंसर आ रहा है 14.9, सेकंड आंसर। तो ए एन का वैल्यू कितना आ रहा है आपको सर? ए 14 निकालना है हमें, तो ए प्लस 13 डी आ जाएगा, 14 में से एक कम करेंगे 13 डी, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू है 0.6 प्लस 13 इंटू डी 14.8, इतना अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है इस बार? 14.8 ये गलती से टाइप, 17.1 इसमें थोड़ा अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 1.1 है, ठीक है, 1.1 है। फिर 0.6 को मैं 0.6 लिख रहा हूँ, प्लस का साइन को मैं प्लस का साइन लिख रहा हूँ, 13 को 11 से गुना करना है, इसको समझो अगर इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आंसर गलत गलत आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अब कोई एक ही सही होगा। यहाँ पर क्या बोलोगे सर? 13 को अगर मैं 1.1 से गुना करूँ तो मैं क्या करूँगा? 13 को 11 से गुना कर दूंगा, 13 को 11 से गुना करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 3 1 1 13 आ गया, फिर से गुना करोगे सर 3 और 1 आएगा, इसको जोड़िए तो 143 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 143, मैंने लिखा 143। अब कोई डेसिमल भी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है एक, ठीक है। तो इसमें आपको कहना पड़ेगा सर दाएं से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 14.3 और 0.6 को जोड़ना होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 14.3 के नीचे आपको लिखना होगा 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 6 3 9 4 और 1, पॉइंट यहाँ पर आएगा, 14.9 आ रहा है ना, 14.9 आ रहा है, समझ में आया? जितना आंसर 14.9 थे वो सही। डेसिमल में जोड़ना घटाना तो आता है ना आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? ए 14 इज इक्वल टू 14.9, 14.9। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए, हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है, कभी डेसिमल का क्वेश्चन है, कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, कभी पॉजिटिव नंबर, कभी नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, समांतर श्रेणी का 15वां पद बताइए, 15th टर्म, यहाँ पर देखिए 15th टर्म क्या आएगा, यह भी एक समांतर श्रेणी में है अगर डी का वैल्यू सेम है तो, ठीक है। तो इसको देखिए डी का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, पहला टर्म तो क्या है, फर्स्ट टर्म तो यही वाला है आपका 1/3, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आसान है देखना, 1/3,
ये सारी चीज़ें लर्निंग मिल रहा है कि एपी में हमें फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डी कैसे निकलेगा? 5/3 में से पहला टर्म घटाइए, सेकंड टर्म में से पहला पद घटाइए, क्या रहा इसको घटाने पर? चार बटी तीन 4/3, दोनों के नीचे में अगर तीन तीन है तो आपको सर नीचे में दो जगह तीन है तो एक बार तीन लिख दीजिएगा और अंशों को घटा दीजिए, पांच में से एक घटा दीजिए, पांच में से एक घटाओगे चार आ जाएगा। ठीक है, ये मैं याद दिला रहा हूँ, अगर ए बाई डी लिखा हुआ है, -B/D लिखा हुआ है तो आप क्या कहते हो सर, दोनों जगह डी डी है तो एक बार डी लिख दीजिएगा और अंश को घटा दीजिए, ए माइनस बी कर दीजिए। ऐसा मत करना कि हर में से हर घटा दिया, अंश में से अंश घटा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका, बस अंशों को घटाते हैं, हर जो सेम है तो आप डी एक बार लिख दोगे। ठीक है, जो भी आपका डिल्टर है, तो यहाँ पर आ गया डी का वैल्यू 4/3, मतलब 7/1 आपका 4/3 आया। अब यहाँ से आपको बोला गया है 15वां पद बताइए, तो 15वां पद के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, तो ए एन का फॉर्मूला वही वाला पुराना सा बार बार जो लिख रहे हैं, a+(n-1d). यहाँ बोलेंगे सर a15 चाहिए, a15 का लिख देंगे a+(14d), 15 में से एक कम कर दिया 14d। अब यहाँ से बोलेंगे सर a का वैल्यू कितना है, 1/3 है, प्लस का साइन है, 14 है, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आपका 4/3 आया, बस a और d का वैल्यू तो पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 14/3, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, 1/3 है, 3 से तो कटेगा नहीं है कुछ, तो 14 चौके कितना होता है, 14 × 4 कितना होगा, 56 हो जाएगा, 14 × 4 56 बाई 3, तो 56 इसको कैसे जोड़ेंगे, दोनों के नीचे तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, तो एक बार तीन लिख दीजिएगा और 1 और 56 को जोड़िएगा, अंशों को जोड़िएगा, 1 और 56 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 1+56 कितना आ रहा है, 57/3, ये आंसर कर देंगे क्या हम, बताओ? ये नो सर, नहीं, ये आंसर नहीं करेंगे, देखो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 5 और 7 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 5 7 ऐड करिए, 5+7 12 हो रहा है ना, 5+7 12 कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 57 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सोचिए कौन से नंबर से कटेगा 57 3 से, 19 बार में है ना, तो कहेंगे सर यहाँ पर 19 × 3 क्या होता है, 19 × 3 = 57, टेबल भी अगर याद है तो आप जल्दी से कर सकते हो सर, 19 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 19, अगर ये काटने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे करके डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3 × 3, 2 LCM आ, 2 घटा करके आ गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 3 × 27 कट गया हमारा 19 बार में। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 19, तो A15 कितना आ रहा है आपका 19। देखिए आपका जो AP था ना वो एक भिन्न में लिखा हुआ था, लेकिन जो आपका आंसर आया है वो एक इंटीजर आया है, तो ऐसा भी हो सकता है, समझ में आया? अब पोल में क्वेश्चन कर, चलो पोल करने के पहले एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल देता हूँ, ऐसे इसके बाद पोल ही है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन अपने साइड से दे रहा हूँ, चलो ये क्वेश्चन करिए। अगर मैं बोल रहा हूँ एक एपी मैंने लिखा जो घटते क्रम हो, क्योंकि अभी तक कोई कोई एपी ऐसा नहीं है जिसमें घटता क्रम मुझे दिखा, इसलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 20 16, उसके बाद 4 का डिफरेंस चल रहा है, चलो 12, और इसका मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मुझे 20वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, ये घटते क्रम में एक एपी है। अब आपसे 20वां पद पूछ सकता है, 30वां पूछ सकता है, 100वां पद पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपके पास फॉर्मूला है, आप आंसर निकाल सकते हो, और मैं बैठा हूं आपके लिए, आप आंसर कीजिए। -56 क्या सभी का आंसर -56 ही है? एक आंसर आया है अभी तक माइनस का 56। जो भी आपके आंसर आएंगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहला जो आंसर आया है वो माइनस का 56 आ रहा है, दूसरा जो आंसर है वो भी -56, सेम, मतलब सभी का आंसर अभी तक तो -56 ही आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आप बोलो सर पहला पद क्या हमारा 20, तो ए का वैल्यू बोलेंगे सर यहाँ पर 20, डी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4 है क्या,
-4। -4। कहेंगे सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर आपको दिखेगा 16 में से 20 घटाना है, 20 में से 16 घटाते तो 4 आता सर, लेकिन 16 में से 20 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, छोटा में से बड़ा घटा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर डी का जो वैल्यू आया वो माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है 20वां पद, तो आप सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अब A20, ठीक है। A20 कितना है आपका, A+19D, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं AN बराबर, लिखना एग्जाम में आप लिख देना फॉर्मूला A+N-1D, उसके बाद ऐसे लिख देना। तो A का वैल्यू तो आपका है 20, प्लस 19 का वैल्यू 19, D का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। अब यहाँ पर 20, आप यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, या फिर चलो मैं यहाँ पर प्लस लिख दे रहा हूँ, और 19 को 4 से गुना करेंगे, 19 चौक 76, ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा अगर आपको टेबल नहीं आ रहे तो। 19 को 4 से गुना करेंगे 76 मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से गुना होगा तो माइनस का 76 मिला। अब यहाँ पर आपको पता है प्लस का साइन भी आ गया, माइनस का साइन भी आ गया, एक साथ दोनों लड़ जाएगा एक दूसरे से, जहां लड़ा प्लस माइनस माइनस होता है, 20 माइनस 76 होगा, 20 माइनस 76 क्या देगा, एक नंबर प्लस का एक माइनस का घटाओ होगा, 76 में से 20 घटाते तो 56 आता, 20 में से 76 घटाओगे तो माइनस का 56 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 56 बिल्कुल सही है, ठीक है, आप 76 में से 20 घटाइए आपका 56 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उल्टा है, 20 में से 56 घटाना है, छोटा में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर फाइनली क्या लिख देंगे, सिर्फ इतना लिखना होगा आपको A20 बराबर माइनस का 56। अब सभी लोग मुझे कंफर्म करके बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं 100वां पद, 30वां पद, 28वां पद, सभी लोग निकाल लोगे, फॉर्मूला याद हो गया और वर्किंग रूल पता चल गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन को ध्यान से करिएगा, देख ज्यादा से ज्यादा सही करना है, ठीक है। एक एपी दे रखा है, बहुत ही टाइप वन कह सकते हैं इसको, बहुत ही बेसिक सा, बस एक एपी देकर बोला जा रहा है कि इसका 20वां पद बताइए। तो चैट आपका बंद है, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस समांतर श्रेणी का 20th टर्म 20वां पद ज्ञात करिए। 20, 103, 57 या 98। A का वैल्यू मुझे पता है, D का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, फिर A20 बताइए, आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, A20 बताइए 20वां पद। तो अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है और 8 में 8 सही। अच्छा मुझे पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने शायद इसको सॉल्व नहीं किया है, आसान सा कैलकुलेशन है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं एक ही टाइप के आंसर आ रहे हैं, मतलब वही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सही होगा आपका, है ना। 12 आंसर आए हैं, 12 में 10 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को ऑप्ट किया है, इसका मतलब वही सही होना चाहिए। क्लास में 28-29 बच्चे हैं, आंसर 13 आए हैं अभी तक। चलो इसके लिए मैं टाइम, आपका कितना टाइम और चाहिए मुझे बताओ, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया है उनका तो ठहर जाइए, वो तो वेट कर लेंगे, 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में। चलो तो ये मैं दे रहा हूँ लगभग 90 सेकेंड्स, इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए। आप सॉल्व करिए, एग्जाम में भी आपका ऐसा ही होगा ना, आपको एक लगेगा कि हाँ मुझे जल्दी से करना है, 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म करना है, तो एक एग्जामिनेशन वाला माहौल सोचिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो और उसको सॉल्व करना है आपको। अभी टाइम दे देता हूँ, लेकिन एग्जाम में तो टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा, तो आप धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिस कीजिए कि विद इन टाइम आप कर लीजिए।
ठीक है, 20 आंसर आ चुके हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। 22 में 17 सही, और अभी मुझे दिख रहा है 2, 4, 5 आंसर अभी गलत हो चुका है। लास्ट 30 सेकंड, क्लास में 4-5 बच्चे और हो, आंसर कीजिए। इसके बाद टाइम नहीं एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है, ज्यादातर सभी का आंसर आ गया है। लास्ट 15 सेकंड्स, अब बिल्कुल पोल एंड होने वाला है। 5 सेकंड में, चलो पोल मैं बिल्कुल एंड करने जा रहा हूं, और इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर मैक्सिमम जो आंसर आए हैं वो ऑप्शन नंबर डी आया है, तो देखते हैं डी होगा या कुछ और होगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप सर पोल एंड निकला क्या, पोल पोल एंड हो चुका है अभी। आपने आंसर किया या नहीं किया समीर? क्यों ना नहीं किया बताओ, क्यों नहीं सर, किया? नेटवर्क इश्यू था सर, चल ही नहीं रहा था। तो आपको माइक ऑन करके बोलना चाहिए था ना कि सर टाइम दे दो, मैं रुक जाता थोड़ा। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगला बार आंसर कीजिएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हम कह सकते हैं इस एपी का जो पहला टर्म है सर वो 3 है, और पहले टर्म को हम ए लिखते हैं, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है। डी का वैल्यू कितना है, सार्वंतर का वैल्यू कितना आएगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, 8 में से 3 को घटाइए, आपका आ जाएगा यहाँ पर 5, तो 5 आ गया है डी का वैल्यू। अब आपसे बोला गया है 20वां पद, तो 20वां पद के लिए फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, ए एन बराबर, ये चाहे नहीं भी लिखो अभी के लिए तो चलेगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए 20 कितना होगा, ए प्लस, ए का वैल्यू आपका 3 है तो 3, चलो इसको लिख दो ए प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन कितना होगा यहाँ पर 20 माइनस 1, तो 20 में से एक घटेगा तो 19 डी आ जाएगा। डायरेक्ट याद कर लीजिए, ए प्लस 19 डी कर देंगे 20 है तो। अभी ए का वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू आपका 3 है, 19 का वैल्यू 19 रहेगा, डी का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया। तो 3 तो 3 रहेगा, 19 पंजे कितना होता है, 95 जा 95 जा 95, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 95, और 95 में 3 जोड़ देंगे आपका 98 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 98, है ना, बाकी सारे तो अच्छा ए भी आंसर आ रहा था, ए कैसे आएगा, 20वां पद 20 थोड़ी होता है, ऐसे कभी याद थोड़े करवाए, है ना, तो ये गलत होगा, 20वां पद 20 हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 103 नहीं है, 57 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया सभी को? जिनका आंसर सही था वो भी वाई लिख के बताइए, जिनको समझ में आ गया वो भी वाई लिख के बताइए, अगर गलत था और सहमत समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया भी तो बता सकते हो क्या नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन ही किया और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन करें अगला, और देखते हैं क्या अंतर है इसमें। डिक्रीजिंग एपी है, देखो यहाँ पर डी नेगेटिव आएगा, तो आप देखें यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको देखो पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा। एपी दिया गया है, बोला गया है कि 10-7-4 लिख रखा है, 30वां पद बताइए, 8-30 का वैल्यू बताइए, पोल रिस्पॉन्स दिख रहा है क्या, कितने बच्चों ने किया है आपको दिख रहा है? क्योंकि मैंने ऑन कर दिया, शायद यहाँ पर हो सकता है आपको दिखे या नहीं दिखे, मुझे बता देना। यहाँ पर 10 है, फिर 7 है, 4 है, इस तरीके से केपी मेरा जा रहा है, ठीक है। तो ए और डी तो लिख ही लोगे, आपसे पूछा जाए 30वां पद, 8-30 का वैल्यू क्या होगा, थर्टी एथ टर्म, 97 माइनस 77 माइनस 87 या 107। छोटा सा गलती नहीं करना है कैलकुलेशन में, ये आपका एग्जाम में 2-3 नंबर ले जाएगा, तो कैलकुलेशन पर भी उतना ही ध्यान दीजिए, अगर आपका आंसर गलत होता है रेगुलर तो इसको आप ही सही कर सकते हो, प्रैक्टिस से ही सही होगा। अगर कभी आपको ऐसा फील हो, वो वही मैं पूछ रहा था,
कॉल रिस्पांस नहीं दिख रहा, मैं ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। ऑन किया था लेकिन कुछ मैसेज मेरे पास आया था, अभी दिख रहा है क्या सर? ठीक है, मैंने ऑन किया था लेकिन वो शायद शो नहीं हो रहा था। तो 18 बच्चों ने किया है, 15 सही है, 3 गलत है। अब जिनका भी आंसर गलत होता है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, होमवर्क दूंगा उसको करिएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से करिए, अलग अलग एपी को देखिए, 30वां पद 20वां पद इसी एपी को ले लीजिए, उसका 15वां पद निकालिए, इसी एपी को आप 20वां पद निकालिए, ठीक है। कैलकुलेशन करिए, जितना आपका हाथ चलेगा ना उतना कैलकुलेशन करोगे उतना आप फास्ट हो जाओगे, एग्जाम में फिर गलती नहीं करोगे। जितना गलती करना है क्लास में कर लीजिए, जितना गलती करना है घर पर कर लीजिए, है ना, एग्जाम में मत करिएगा। चलो लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड काफी होगा, 4-5 बच्चे दिख रहे हो अभी, 25। और अभी भी मुझे 21 आंसर दिख रहे हैं, 21 में 18 सही 3 गलत। 5 बच्चे और हो क्लास में, आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। लास्ट 15, 10 सेकंड्स, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी लेफ्ट नहीं करना है किसी को, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें हमारा आंसर क्या होने वाला है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर एक एपी दे रखा था 10-7-4, डिक्रीजिंग एपी है, ये घटते क्रम में है, तो यहाँ पर सीधे बोलोगे सर पहला पद कितना है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो यहाँ पर 10 दे रखा है, फर्स्ट टर्म आप बोलोगे सर 10, तो ए का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो 7 में से 10 को घटाएंगे, और जैसा आपने बोला माइनस का 3 आएगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो 10 में 7 घटाओगे 3 मिलेगा, और एक माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो डी का वैल्यू आपका माइनस का 3 आ गया। तो ए आपने निकाल दिया, डी आपने निकाल दिया, आपसे बोला जा रहा है 30वां पद, तो 30वां पद के लिए क्या आप बोलोगे, क्या निकालना है आपको, ए 30 निकालना है, फॉर्मूला मैं लिखूं क्या, अब तो फॉर्मूला याद आ गया ना सभी को, सीधे सीधे मैं लिख दूं डायरेक्ट ए 30 कितना लिखोगे, कितना लिखोगे यहाँ बताइए, 29D, क्योंकि 30 था यहाँ पर तो एक कम कर दिया, फॉर्मूला चलो मैं लिख दे रहा हूँ, an = a + n - 1d। आप अभी शायद लिख नहीं भी लिखो तो कोई चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में लिख दीजिएगा एक बार। ए 30 का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू आपका माइनस का 3 है, 29 का जगह 29, डी का वैल्यू आपका, डी का वैल्यू कितना, माइनस का 3 है, माइनस 3 डाल दीजिए, ए का वैल्यू 10 है, सॉरी, तो यहाँ पर ए का वैल्यू माइनस 10 डाल दीजिए, ए का वैल्यू आपका 10 था, तो ए का जगह पर लिख दिया 10, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 10, यहाँ पर प्लस है, 29 को 3 से गुना करिए, 29 × 3 कितना होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 27 = 2 कैरी 2, 3 × 6 = 2 = 8, ठीक है 87, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 87 आएगा क्योंकि उसको -3 से गुना करना था। अब यहाँ पर प्लस का भी साइन है माइनस का साइन भी है, तो 10 ± -87, ठीक है प्लस माइनस माइनस हो गया, 87 में से 10 घटा दीजिएगा 77 मिलेगा, साइन बड़े वाला का आ जाएगा, माइनस का 77 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्लियर? यस सर। 4 मिनट का समय बचा हुआ है, सभी लोग अगर रुकोगे तो मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, कर लें क्वेश्चन और, यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, यस सर, ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो टॉपिक मतलब एक टाइप कवर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वेरियस टाइप के, ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा, तो ये करिए, ये मैंने एंड कर दिया पहले वाला पोल, और ये आपका क्वेश्चन 9 अभी ये चल रहा है, आप सॉल्व करिए, आंसर कीजिए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को क्या बनाता है,
अगर आप यहाँ पर डी का वैल्यू सही सही निकाल दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, डी का वैल्यू में अगर गलती कर दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से करिए, आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि ए का वैल्यू तो दिख ही रहा है माइनस टेन हो जाएगा, डी का वैल्यू में थोड़ा कंफ्यूज करते हो वो मत करिए। पूछा जा रहा है बीसवां पद, मतलब ए ट्वेंटी आपसे पूछ रहा है। समांतर श्रेणी का बीसवां पद क्या होगा? इतने सारे क्वेश्चन करवाने का एम बस एक ही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए क्लास में, बिल्कुल कि इतने समय हमें करना है जल्दबाजी में एग्जाम वाले माहौल के साथ, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपका एनसीईआरटी भी कवर होते जा रहा है, इससे क्या हो रहा है आपके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी कवर होते जा रहे हैं, है ना। तो अगले साल ऐसा तो नहीं हो कुछ नया क्वेश्चन पूछ लेगा, इन्हीं में से कुछ पूछेगा। फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। दस आंसर आ चुका है, दस में नौ सही एक गलत। ए ट्वेंटी इक्वल टू क्या, ए प्लस उन्नीस डी, है ना। ए का वैल्यू डालिए, डी का वैल्यू डालिए, उन्नीस तो उन्नीस रहेगा, गुना करिए आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक मिनट और का समय दे रहा हूँ, वन मिनट और। ऐसे मोस्टली आंसर दिख ही रहे, ऑलमोस्ट आ चुके हैं। लगभग 50 सेकंड के आसपास का टाइम और है, आप ट्राई करो कि इस 50 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अगर नहीं आ पाता है तो एक बार माइक ऑन करके बता देना। 30 सेकंड और। अभी भी सात बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 15 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में स्क्वेंट कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। टोटल 20 बच्चों ने आंसर किया है, इस 20 में 16 आंसर सही है और 4 आंसर मुझे गलत दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्यों गलत हो गया, क्वेश्चन तो आसान ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया यहाँ पर एक एपी दे करके 20वां पद बताइए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला पद क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है माइनस का 10, मैंने लिखा यहाँ पर माइनस का 10। उसके बाद क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस, वो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। तो सेकेंड टर्म आपका क्या है, सेकेंड टर्म है आपका माइनस का 6, माइनस का 6 में से आप माइनस के 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो माइनस माइनस का 10। तो यहां से हम बोलेंगे सर ये माइनस माइनस एक साथ जो आया ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10, और माइनस 6 प्लस 10 क्या देगा बताओ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर तो घटा करके मिलेगा। 10 में से 6 घटाओगे 4 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ा वाला है, 10 का साइन लेगा बड़े वाला का, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आएगा, तो डी का जो वैल्यू आया वो 4 आया। इसके बाद क्या बोलेंगे सर, ए ट्वेंटी आपसे पूछा जा रहा था, ए ट्वेंटी इज इक्वल टू ए प्लस, कई बार हमने कर लिया, यहाँ पर 20 है तो एक कम करके 19 डी कर देंगे, ठीक है। वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू माइनस का 10, 19 इंटू डी, डी का वैल्यू 4 है आपका, ठीक है यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, माइनस का 10, 19 इंटू 4 कितना होता है, 19 इंटू 4 76, ठीक है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए 20 तक के, अगर नहीं याद है तो ऐसे करके गुना करोगे आप, 9 चौके 36 का 6 कैरी 3, 4 एकम 4 3 7, ऐसे कर लोगे, ठीक है। लेकिन करना ना पड़े इतना ध्यान रखिएगा, आप याद कर लीजिएगा टेबल। अब यहाँ पर आपको पता है एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर जो आएगा घटा करके आएगा, 76 में से 10 घटा दो तो आपका आंसर कितना आएगा, 66, साइन बड़े नंबर का आएगा तो ये प्लस का, ठीक है। तो क्या आंसर, प्लस का 66 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी आया, क्लियर।
समझ में आया? जिन चार बच्चों का आंसर गलत था वो मुझे कंफर्म करके बताओ। अब समझ में आया कैलकुलेशन में कहां पर गलती कर रहे हो आप? अगर आपका आंसर गलत हुआ है तो बस आपको इतना कह रहा हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार लिखकर, ठीक है, खुद से सही करने का कोशिश करो, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट है वो अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। चलिए अभी कोई डाउट है तो बताइए पहले, अगर कोई भी डाउट है तो पहले डाउट बता दो।